जन सरोकार मंच के फेसबुक पेज पर मैं प्रेमचंद गांधी आप सभी श्रोताओं दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज यह जो जन सरोकार मंच का कार्यक्रम है, इसमें मैं कुछ कविताएं सुनाऊंगा आपको और इसके अलावा अपने लेखन कर्म को लेकर थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा। मैं पहली बार इस कोरोना काल में लाइव आ रहा हूं, इसके लिए मैं मंच का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। मैं जन सरोकार मंच के आयोजन में पहले टोंक भी जा चुका हूं और मुझे वो आयोजन भी बहुत आकर्षक लगा था। और आप लोग जिस तरह से जन सरोकार मंच के लोग काम कर रहे हैं, वो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटे शहर के अंदर इतनी सारी साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ आप लोगों के कारण वहाँ संचालित होती हैं और नई को बहुत सारी चीज़ें जानने देखने का अवसर मिलता है, जो अक्सर बड़े शहरों में भी संभव नहीं हो पाती। क्योंकि ये मंच जन सरोकारों का है और मैं खुद जिस तरह की विचारधारा से या लेखन से जुड़ा हुआ हूँ, वह भी जन सरोकारों से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आज आपको जो कविताएं सुनाऊंगा उसमें भी उन जन सरोकारों की ध्वनियाँ आपको सुनाई देंगी। इससे पहले कि मैं अपनी कविता पाठ की शुरुआत हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कविता के क्षेत्र में मेरा आना लगभग एक अजीब सी घटना की तरह ही है, क्योंकि मैं शायद कविता लिखने के लिए नहीं बना था। मैं बनना तो शायद लेखक भी नहीं, लेकिन बचपन की एक घटना ने मुझे लिखने और पढ़ने की तरफ इस तरह से आकर्षित किया कि आज किताबें और लेखन पठन पाठन ही दुनिया बन गई है। मैं शायद छठी सातवीं क्लास में था, तब से मैंने लिखना शुरू किया होगा। तो शुरू में मैं कहानियाँ जैसे कुछ टुकड़े मैंने लिखे थे और मुझे बाद में लगा कि पता नहीं मैं कहानी लिख भी पाऊँगा या नहीं। इस बीच कविताएँ बहुत पढ़ी और आठवीं या नवीं क्लास में दीवान गालिब जो है वो पूरा पढ़ लिया था। और लगभग एक महीने की गर्मियों की छुट्टियों में वो जो दीवान गालिब पढ़ा, तो उससे मेरे भीतर एक नई ऊर्जा या लिखने या कविता को लेकर, शायरी को लेकर समझ पैदा हुई। और उस झोंक में मैंने भी वो सैकड़ों गज़लें और उस तरह की गज़लनुमा चीज़ें लिख डाली थी। बाद में जब साहित्य की दुनिया में आए, लगा कि वो सब एक अभ्यास की तरह से था, यानी छंद लिखने का अभ्यास या गज़ल लिखने का अभ्यास। और जब आज या समकालीन साहित्य की दुनिया से वाबस्ता हुई, तो लगा कि हमें किन लोगों के लिए लिखना है, किस उद्देश्य से लिखना है, किसके लिए लिखना है, ये तय हमें करना चाहिए। और उस प्रक्रिया में ये हुआ कि मैं प्रगतिशील लेखक की महान परंपरा से जुड़ गया और अभी तक मेरा जो उससे संबंध है वह आजीवन रहेगा। और मैं अपने लेखन के लिए मुख्य रूप से प्रगतिशील संघ और इस भारत की ही नई दुनिया की महान प्रगतिशील परंपरा के लेखकों रचनाकारों प्रति श्रद्धा रखता हूँ, जिनकी वजह से मैं एक दिशाहीन युवक से एक वैचारिक दृष्टि से सजग सतर्क लेखक रूप में थोड़ा बहुत लिखने में सफल हुआ।
आज मैं जो आप लोगों को पहली कविता सुनाने जा रहा हूँ, कविता का शीर्षक है कवि की रसोई। कवि की रसोई, असल में ये मेरी कविता पूरी प्रक्रिया को आप इससे समझ सकते हैं कि कवि के तौर पर बताएं या क्या है, या हमारे सरोकार क्या है। तो मैं सीधे ही कविता पाठ से शुरू कर रहा हूँ, कवि की रसोई। जरा आराम से बाहर बैठो मेरे प्यारे श्रोता पाठक, इधर मत ताको झांको, आनंद लो खुशबुओं का, आने वाले जा मेरी कविता की कड़वाहट का। जरा आराम से बाहर बैठो मेरे प्यारे श्रोता पाठक, इधर मत ताको झांको, आनंद लो खुशबुओं का, आने वाले जायके का, मेरी कविता की कड़वाहट का। कुछ हासिल नहीं होगा तुम इधर से, बहुत धरती भी है यहाँ, कोई चीज़ ठिकाने पर नहीं। सुना आज का अखबार पढ़कर, जो डब डबा आए थे आंसू, उन्हें मैंने प्याले में जमा कर लिया था। पहले प्रेम के आंसू बरसों से सिरके वाली बरनी में सुरक्षित हैं, किसानों के आंसुओं की नमी मेरे लहू में, भूख बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं की बदहवासी मेरे भीतर हड्डी सी धधकती रहती है। जिंदगी के कई इम्तहानों में नाकाम, खुशी करने वालों की आहें मेरी त्वचा में हैं चिकनाई की तरह है। विलुप्त तो होते जा रहे वन्य जीवों के रंग मेरी शाही में, जंगल और पहाड़ों के गर्भ में छुपे खनिजों की गर्मी है मेरी आत्मा में, और इन पर जो गड़ाए हैं नजरें, पूंजी के रक्त पिपासु सौदागर, उन पर मेरी कविता की नजर है लगातार। अभावग्रस्त लोगों की उम्मीदों के अक्षत हैं मेरे कोठार में, हिम शिखरों से बहता मनुष्यता का जल है मेरे पास दूध जैसा। प्रेम की शर्करा है कभी होने वाली, दुख दर्द और तकलीफों के मसाले हैं, चुनौतियों का सिलबट्टा है, कड़छुल जैसी कलम है, हौसलों के मर्तबान हैं, कामनाओं का खमीर है मेरे पास। अब बताओ तुम क्या पसंद करोगी, अब बताओ तुम क्या पसंद करोगी। एक समकालीन माहौल है, उसको देखते हुए मैंने कुछ कविताएं पिछले, मतलब एक मेरा संग्रह आने वाला है उम्मीदों पर ही, उस संग्रह के बाद की कुछ कविताएं मैं आपको सुना रहा हूँ। वो संग्रह शायद इस महीने प्रकाशित हो जाएगा। श्रृंखला है ऐसे तो नहीं मरना, इसमें तीन भाग हैं इस कविता के। ऐसे तो मरना नहीं, ऐसे तो नहीं, पहला भाग देखें। ऐसे तो नहीं मरना जिसमें कोई कहीं से आए और अकेले में या भीड़ में, सरेआम या कि घर में घुसकर, मुझे या आपको मारकर, नारे लगाते हुए चला जाए। ऐसे तो बिल्कुल नहीं मरना, ऐसे तो नहीं मरना जिसमें कोई कहीं से आए और अकेले में या कि घर में घुसकर, मुझे या आपको मारकर, नारे लगाते हुए चला जाए। ऐसे तो बिल्कुल नहीं मरना, इसी का दूसरा भाग है कि क्या आप ऐसे मरना पसंद करेंगे जिसमें आपकी रसोई से आती खुशबू की वजह से, या आपकी आपके पहनावे केश विन्यास के कारण, या फिर आप किसी खास पहचान के चलते कोई सिरफिरा हत्या के लिए तैयार बैठा हो। अगर आपको पसंद है ऐसी मृत्यु जिसमें तय है कि आपकी हत्या होगी, तो मुझे आपसे कुछ, क्योंकि मैं आपकी पसंद से सहमत नहीं। मेरे लिए आप में और हत्यारे में कोई फर्क नहीं। ऐसे तो नहीं मरना इसी श्रृंखला की अंतिम कविता है। घृणा वैसे नहीं पनपती जैसे पहली नजर में प्रेम, घृणा वैसे नहीं पनपती जैसे पहली नजर में प्रेम, लेकिन
पनपती फैलती है बहुत तेज, जैसे हरे भरे पेड़ों पर अमर बेल। घृणा वैसे नहीं पनपती जैसे पहली नजर में प्रेम, लेकिन पनपती फैलती है बहुत तेज, जैसे हरे भरे पेड़ों पर अमर बेल। स्वाभाविक होता है प्रेम, लेकिन संस्कारों में बोई जाती है नफरत धीरे धीरे, अपनी और दूसरों की पहचान के भेद विभेद। मनगढ़ंत विकृत कथाएं रचती हैं दिमागों में जाले, कहीं भी घटती कोई घटना देती है खाद पानी घृणा के पौधे को वृक्ष बनाने के लिए। और अब इसके बाद मैं एक कविता सुना रहा हूँ, इसके भी खंड हैं। भीड़ से भिड़ते हम, आजकल हम देख भीड़ एक नई पहचान बन गई इस देश में किसी भी तरह के काम के लिए, कि भीड़ है तो सब कुछ है, भीड़ ही तय करती है क्या करना है। तो भीड़ से भिड़ते हम, इसका पहला अंश है कि जाने पहचाने अपने ही देशवासियों की एक भीड़ है हमारे चारों ओर, इनमें कौन कब नारे जयकारे लगाते बदल जाएगा हम नहीं जानते। जाने पहचाने अपने ही देशवासियों की एक भीड़ है हमारे चारों ओर, इनमें कौन कब नारे जयकारे लगाते किसी हत्यारे में बदल जाएगा हम नहीं जानते। इस भीड़ में से कितने साथ हो जाएंगे हत्यारे के हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि उनमें से कोई भी नहीं आएगा मरने वाले को बचाने, हत्यारे को ललकारने, दो दो हाथ करने, मानवता को शर्मसार होने से बचाने। इस भीड़ जाएंगे हत्यारे के हम नहीं जानते, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आएगा मरने वाले को बचाने, ललकारने, दो दो हाथ करने, मानवता को शर्मसार होने से बचाने। का दूसरा भाग है कि हाँ, यही भीड़ है जो हत्यारों के समर्थन में सड़कों पर चाहती हुई न्यायालय के ऊपर विजयी विश्व तिरंगा प्यारा उतार कर अपनी घृणा का ध्वज फहराती है। हाँ, यही भीड़ है जो हत्यारों के समर्थन में सड़कों पर उत्पात मचाती हुई न्यायालय के ऊपर विजयी विश्व तिरंगा प्यारा उतार कर अपनी घृणा का ध्वज फहराती है। न्याय अब इस भीड़ के जूते की नोक पर है, न्याय अब इस भीड़ के जूते की नोक पर है। इसका आखिरी खंड है कि जब मुफ्त में हो रोजाना कई जब मुफ्त में मिल रहा हो रोजाना कई डाटा, किश्तों पर मिल रहे हो स्मार्टफोन, एक कविता है जिसका शीर्षक है वे डरे हुए। एक डर पैदा किया जा रहा था, डर पैदा करने वाले उन लोगों से डरे हुए थे जो उनके खिलाफ थे। एक डर पैदा किया जा रहा था, डर पैदा करने वाले उन लोगों से डरे हुए थे जो उनके खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि जब तक ये निडर लोग हैं पूरी तरह कायम नहीं किया जा सकता है डर। उन्हें लगता था कि जब तक ये निडर लोग हैं पूरी तरह कायम नहीं किया जा सकता है डर। इसीलिए भय पैदा कर रहे थे कि निडरता खत्म हो, कि लोग डरें, कि लोग सहमे रहें और चुपचाप सब सहते रहें। जब भी उठती कोई निडर आवाज़ वे भयभीत हो उठते, अपनी भयातुर भीड़ को वे लगा देते काम पर, जाओ ये निडरता खत्म करो, लोगों में हमारा डर बना रहे, जैसे भी हो चुप कराओ उन्हें। भीड़ हथियार लेकर निकल पड़ती, मारती पीटती जान लेती, आगे ही आगे बढ़ती रही, लेकिन बेखौफ आवाज़ों को कौन रोक सकता है भला। वे दुगने जोश से बा आवाज़ बुलंद होती रहीं। डर पैदा करने वालों में डर है कि ये निडरता, ये दुस्साहस, ये बेखौफी क्यों नहीं हो रही खत्म। वे डरे हुए हैं कि लोग
उनसे डर क्यों नहीं रहे। वे डरे हुए हैं कि लोग उनसे डर क्यों नहीं रहे। एक कविता का शीर्षक है हज्जाम। हज्जाम यानी नाई जो हमारे बाल संवारने का काम करता है। हज्जाम वह दुनिया का सबसे महान कलाकार है जो दुनिया से पहले इसमें रहने वालों को सुंदर बनाता है। वह दुनिया का सबसे महान कलाकार है जो दुनिया से पहले इसमें रहने वालों को सुंदर बनाता है। आपके मन चाहे डिजाइन में वह बाल और दाढ़ी संवारता है। सिर की मालिश से वह कर देता है दिमाग को तरोताज़ा। उसके पास असंख्य किस्से कहानियां हैं। उसे कभी नाराज़ होते नहीं देखा किसी ने। उसके व्यक्तिगत दुख या तनाव की छाया कभी नहीं दिखाई दी उसके काम पर। उसके पास कई किस्म के औजार हैं, उस तरह कैंची, कंघे, मशीनें, कुछ तो ऐसे भी जिनसे कोई ले सकता है हथियार का काम। इन्हीं हथियारों से वह हमारा रूप निखार देता है। हथियारों से भरी इस दुनिया में कितनी ज़रूरत है एक अच्छे हज्जाम की। हथियारों से भरी इस दुनिया में कितनी ज़रूरत है एक अच्छे हज्जाम की। इस दुनिया को हम क्यों न कर दें किसी हज्जाम के हवाले। इस दुनिया को हम क्यों न कर दें किसी हज्जाम के हवाले। अगली कविता का शीर्षक है मूर्तियों का डर। मूर्तियों का डर। वे उन भूतों से डरते हैं जिन्हें अवतार बताया जाता है। उनका डर मंगला आरती से शुरू हो शयन आरती तक जाता है। वे उन भूतों से डरते हैं जिन्हें अवतार बताया जाता है। उनका डर मंगला आरती से शुरू हो शयन आरती तक बना रहता है। पता नहीं कब कौन अवतारी श्राप दे डाले उनकी पूजा के सारे कर्मकांड। निर्जीव मूर्तियों को खुश रखने के हैं क्योंकि वे भूतों से डरते हैं। उनकी पूजा के सारे कर्मकांड उन निर्जीव मूर्तियों को खुश रखने के हैं क्योंकि वे भूतों से डरते हैं। वे उन लोगों की मूर्तियों से भी डरते हैं जो जन्मे थे इसी धरा पर लेकिन अवतारी नहीं कहा जाता उन्हें। ऐसी मूर्तियों से घृणा करते हैं जो पूजा के लायक नहीं। पता नहीं क्यों कुछ लोग बनाते हैं ऐसी मूर्तियाँ जो पूजा के लायक नहीं, जिन पर न प्रसाद चढ़ता है और न ही होता है कोई भंडारा। वे उन लोगों की मूर्तियों से भी डरते हैं जो जन्मे थे इसी धरा पर लेकिन अवतारी नहीं कहा जाता जिन्हें। ऐसी मूर्तियों से घृणा करते हैं जो पूजा के लायक नहीं। पता नहीं क्यों कुछ लोग बनाते हैं ऐसी मूर्तियाँ जो पूजा के लायक नहीं, जिन पर न प्रसाद चढ़ता है और न ही होता है कोई भंडारा। ऐसी मूर्तियों से जब उनकी घृणा बढ़ जाती है वे उन मूर्तियों को तोड़ डालते हैं एक कविता का शीर्षक है नतीजा। नतीजा। धुएं और कोहरे से भरी सुबह में उगते हुए सूरज को देखना जैसे रात की राख के गड्ढे में अमावस के चांद का गिरना। देख रहे हैं हम धुएं और कोहरे से भरी सुबह में उगते हुए सूरज को देखना जैसे रात की राख के गड्ढे में अमावस के चांद का गिरना। देख रहे हैं हम हमारी कल्पनाओं में तो नहीं थी ऐसी दम घोटू सुबह जिनमें उगते सूरज को बदल जाना था एक मटमैले दूसर गोले में। हमारी कल्पनाओं में तो नहीं थी ऐसी दम घोटू सुबह जिनमें उगते सूरज को बदल जाना था एक मटमैले दूसर गोले में। सब हमारा ही किया धरा है कहते हैं देश दुनिया के गुणजन कि हम ही उगाते हैं सुखद भविष्य की आस में कमज़ोर बीजों वाली फसलें जिनमें नहीं आते दाने और भूसे से भरा खेत जला डालते हैं सब कुछ। सब हमारा ही किया धरा है कहते हैं देश दुनिया के गुणजन कि हम ही उगाते हैं सुखद भविष्य की आस में कमज़ोर बीजों वाली फसलें जिनमें नहीं आते दाने और भूसे से भरा खेत देख कर जला डालते हैं सब कुछ। हम बुआई से पहले ही हमें छांट लेने चाहिए थे बीज।
बुआई से पहले ही हमें छांट लेने चाहिए थे बीज, सुचिक्कन बड़ बोले बीजों को कर देना था कूड़े के हवाले, फिर शायद हमें नहीं जलाने होते खेत के खेत। यह हमारे चुनाव की गलती है, यह हमारे चुनाव की गलती है। हम खेत जलाकर शहरों में आते हैं काम धंधे की तलाश में, जहाँ गांवों से ज़्यादा बेरोजगारी है और कारखानों की चिमनियाँ बुझी हुई हैं। यह हमारे चुनाव की गलती है। हम खेत जलाकर शहरों में आते हैं काम धंधे की तलाश में, जहाँ गांवों से ज़्यादा बेरोजगारी है और कारखानों की चिमनियाँ बुझी हुई है। ऐसे में जब सुबह भी रात जैसी अंधेरी लगे, हमें समझ लेना चाहिए कि दिन अच्छे नहीं हैं। यह हमारे ही गलत चुनाव का नतीजा है। ऐसे में जब सुबह भी रात जैसी अंधेरी लगे, हमें समझ लेना चाहिए कि दिन अच्छे नहीं हैं। यह हमारे ही गलत चुनाव का नतीजा है। हमारे देश में बहुत से लोग आज भी जेलों में बंद हैं, उनमें अपराध, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी जेल में नहीं हैं, उनकी सिर्फ कब्रें मिलती हैं या उनकी लाशें जला दी जाती हैं। ये कविता ऐसे ही अनाम लोगों के नाम है, निरपराध लोग। एक दिन वे उठा लिए जाते हैं या बुला लिए जाते हैं तहकीकात के नाम पर, फिर कभी वापस नहीं आते। एक दिन वे उठा लिए जाते हैं या बुला लिए जाते हैं तहकीकात के नाम पर, फिर कभी वापस नहीं आते। कश्मीर की वादियों से तेलंगाना के जंगलों तक, कच्छ के रण से मेघालय की नदियों तक, ये रोज की कहानी है। पिता भाई दोस्त और रिश्तेदार थक जाते हैं खोजते, माँ पत्नी बहन और बच्चे तस्वीर लिए भटकते हैं, पता नहीं तंत्र के कितने खिड़की दरवाज़ों पर देते बार बार दस्तक। बस अड्डे रेलवे स्टेशन और चौक मोहल्लों के छान आते हैं ओर छोर, हर किसी को तस्वीर दिखाते हुए पूछते हैं वे, इसे कहीं देखा है आपने? और फिर रुलाई में बुदबुदाते हैं खोए हुए शख्स से उसका रिश्ता, अब्बा है मेरे, बेटा है, इस बच्ची का बाप है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। वे किसी जेल में बंद नहीं मिलते, न किसी अस्पताल में भर्ती, न कब्रिस्तान में उनकी कब्र मिलती है, न शमशान में राख और अंतिम अवशेष। जहाँ कहीं दिखता है उनका पहना हुआ आखिरी लिबास का रंग, या उनकी कदकाठी वाला कोई, घर वाले दौड़ पड़ते हैं उम्मीद के अश्वारोही बनकर, और उसे न पाकर मायूसी के साथ याद करते हैं किसी अज्ञात ईश्वर को। वे सहते हैं अकल्पनीय यंत्रणाएं, वे अपने को निरपराध बताते कहते थक जाते हैं। कुछ भी कबूल करना या न करना, हर रास्ता उन्हें मौत की ओर ले जाता है। पेट्रोल से भर दिए जाते हैं उनके जिस्म, जैसा जैसे तैरना नहीं आने वाले के पेट में भर जाता है पानी। हाथ पांव बांध लटका दिए जाते हैं कहीं, जैसे जंगल में शिकारी लटकाते हैं पकाने के लिए कोई परिंदा या जानवर। मिर्च पेट्रोल और डंडे के अलावा पता नहीं क्या कुछ भर दिया जाता है उनके गुप्तांगों में। मिर्च घुले पानी से नहलाया जाता है उन्हें, तो याद आता है सब्जी के हाथ लगी आंखों के छुवन का मामूली एहसास। पूरे बदन पर पेट्रोल डालकर माचिस दिखाई जाती है उन्हें, तो याद आ जाते हैं उन्हें सड़कों पर जलते हुए वाहन। यात्राओं का यह सिलसिला जारी रहता है उनकी देह में प्राण रहने तक। उनकी लाश बिना भेदभाव के जला दी जाती है या दफना दी जाती है। सेना पुलिस कहती है, हमने तो इस शख्स को कभी देखा तक नहीं। न जाने ऐसे कितने निरपराध लोगों के लहू से सने हैं उनके हाथ, हथियार और ठिकाने, जिनके परिजन परिचित उन्हें ताउम्र एक नज़र देखने को तरसते रह जाते हैं। जहाँ दफन होती हैं
या जरा जी जाती हैं ऐसे निरपराध लोगों की लाशें, वही तो उठते हैं प्रतिरोध के कंटीले तार। जहाँ दफन होती है या जला दी जाती हैं ऐसे निरपराध लोगों की लाशें, वही तो उगते हैं प्रतिरोध के कंटीले झाड़। एक कविता है, अंतिम कुछ भी नहीं होता, कोई दिन नहीं अंतिम न कोई पल अंतिम, झूठी और भ्रामक है अंतिम की सारी अवधारणाएं, जैसे सृष्टि के अंत की घोषणाएं। कोई दिन नहीं अंतिम न कोई पल अंतिम, झूठी और भ्रामक है अंतिम की सारी अवधारणाएं, जैसे सृष्टि के अंत की घोषणाएं। किसी के अंत या अंतिम होने की बात लोभ और लालच की संस्कृति में व्यापार की नई कला है। किसी के अंत या अंतिम होने की बात लोभ और लालच की संस्कृति में व्यापार की नई कला है। बिक्री और छूट का आखिरी दिन बचे हुए माल को बेचने का तरीका, आवेदन की अंतिम तिथि गलाकाट प्रतियोगिता का पैंतरा, कमजोर को बाहर करने का हथियार अंतिम। अंतिम आदमी तमाम सूचियों से बाहर, अन्न के आखिरी दाने गोदामों में सड़ते, अंतिम पायदान पर लोग तरसते, पानी की आखिरी बूंद पर कंपनियां काबिज, हर अंतिम सत्य को झुठलाती संसद। कौन देता है अंतिम रूप उन नीतियों को जो पहले से त्रस्त लोगों को धकेलती अंत की ओर? कौन देता है अंतिम रूप उन नीतियों को जो पहले से त्रस्त लोगों को धकेलती अंत की ओर? समस्याओं का आखिरी समाधान क्यों होता है सिर्फ व्हाइट हाउस के पास? दरिद्रता के अंतिम मुहाने पर खड़े आदिवासियों के पास कहाँ से आता है आखिरी हथियार? क्यों अपनी ही जनता को गोलियों से भून देने का बचा रह जाता है आखिरी उपाय? कहीं नहीं कोई अंतिम सत्ता इस अनंत सृष्टि में, हमने मंगल तक जाकर देख लिया। कहीं नहीं कोई अंतिम सत्ता इस अनंत सृष्टि में, हमने मंगल तक जाकर देख लिया। अंतिम कुछ भी नहीं होता, आखिरी सांस के बारे में सिर्फ मृतक जानते थे। हमारे पास तो सिर्फ इरादे हैं और इनमें से कोई अंतिम नहीं। अंतिम कुछ भी नहीं होता, आखिरी सांस के बारे में सिर्फ मृतक जानते थे। हमारे पास तो सिर्फ इरादे हैं और इनमें से कोई अंतिम नहीं। एक कविता है, ये जो स्कूल जाती लड़कियां हैं उनको लेकर है। टोंक पे तो बहुत, टोंक जयपुर लगभग पूरे राजस्थान में बहुत जगह इस तरह के दृश्य दिखाई देंगे। कविता का शीर्षक है, अगर हरफों में ही है खुदा, वे घर से निकलती हैं स्कूल कॉलेज के लिए रंगीन स्कार्फ या बुरके में। मोहल्ले से बाहर आते ही, बस या ऑटो रिक्शे में बैठते ही, हिदायतों को तय करते हुए उतार देती हैं जकड़न भरे सारे नकाब। वे घर से निकलती हैं स्कूल कॉलेज के लिए रंगीन स्कार्फ या बुरके में। मोहल्ले से बाहर आते ही, बस या ऑटो रिक्शा में बैठते ही, हिदायतों को तय करते हुए उतार देती हैं जकड़न भरे सारे नकाब। वे जिन किताबों को पढ़कर बड़ी होती हैं उनमें कहीं जिक्र नहीं होता नकाबों का। इतने बेनकाब होते हैं उनकी किताबों के शब्द कि अक्सर उन्हें रुलाई आती है पर्दों में बंद अपने परिवार की स्त्रियों के लिए। उनकी खामोश सुबकियों और सिसकियों में आंसुओं का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। वे जिन किताबों को पढ़कर बड़ी होती हैं उनमें कहीं जिक्र नहीं होता नकाबों का। इतने बेनकाब होते हैं उनकी किताबों के शब्द कि अक्सर उन्हें रुलाई आती है पर्दों में बंद अपने परिवार की स्त्रियों के लिए। उनके खामोश सुबकियों और सिसकियों में आंसुओं का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। कहाँ हो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहेब? ये पढ़ने जाती लड़कियाँ
आप ही को पुकारती हैं चुपचाप। आप आए तो उन्हें निजात मिले जकड़न से, अर्थ मिले उन शब्दों को जो नाजिल हुए थे आप पर। अगर हरफों में ही है खुदा तो जाहिर क्यों नहीं होता रोशनाई में। अगर हरफों में ही है खुदा तो जाहिर क्यों नहीं होता रोशनाई में। कुछ और कविताएं हैं जो जनसरोकार मंच के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। एक लंबी कविता है, उसके दो तीन खंड हैं, वो सुनाकर मैं समाप्त करूंगा। आखिरी कविता के तौर पर लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ शीर्षक से कविता है। पहला भाग है, लड़ाइयाँ तो दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो जाती हैं। असंख्य शुक्राणुओं में से कोई एक जीतता है और माँ के गर्भ में हमें रचने की शुरुआत करता है। लड़ाइयाँ तो दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो जाती हैं। असंख्य शुक्राणुओं में से कोई एक जीतता है और माँ के गर्भ में हमें रचने की शुरुआत करता है। सृष्टि के खेल में लड़ता हुआ भ्रूण निरंतर रचता है हमारी काया। 9 महीने बाद लड़ता है दुनिया में आने के लिए, और लड़ाइयाँ चलती रहती हैं दुनिया में आने के बाद भी। कुदरत से लड़कर हम बड़े होते हैं, पैरों पर खड़े हो चलना सीखते हैं जीवन की लंबी लड़ाइयों के लिए। बिना लड़े कुछ भी हासिल नहीं होता ये जानते हैं हम, लेकिन दुनिया की बेहतरी के लिए चल रही लड़ाइयों में अगर शामिल नहीं हम, तो तय मानिए कि शुक्राणु से मनुष्य बनने तक की हमारी सारी लड़ाइयाँ व्यर्थ थीं। व्यर्थ फिर क्यों लड़े हम, हर लड़ाई में चुपचाप खड़े हम, इस तरह स्वार्थ के घड़े हम, नहीं किसी के फेर में पड़े हम, इस तरह एकांत में सड़े हम। लड़ाइयाँ शीर्षक की ही दूसरी कविता है। जितने देश हैं उतनी ही सेनाएं हैं दुनिया में। हर देश का सैनिक देशभक्त सैनिक, एक देशभक्त सैनिक दूसरे देशभक्त सैनिक का दुश्मन होता है क्यों ये नहीं मालूम। मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ तो दूसरे की माँ दुश्मन क्यों है। ये तमाम सेनाएं देशभक्तों की है या कि दुश्मनों की, इस धरती पर लगता है सारी फौजें हैं सिर्फ दुश्मनों की। पड़ोसी दुश्मन देश हो या देश के भीतर पल रहे दुश्मन हो, सभी से निपटने के लिए चाहिए सेना। जिस देश से न रहा कभी हमारा वास्ता, वहाँ भी चली जाएंगी फौजें और किसी के स्वार्थ में मारे जाएंगे दोनों तरफ के सैनिक। दूर देश में लड़ने जाता फौजी सोचता ही रह जाता है, हम क्यों जा रहे हैं वहाँ, उन्होंने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन आदेश तो आदेश है और फौजी आदेश का तो कहना ही क्या। दूर देश में लड़ने जाता फौजी सोचता ही रह जाता, हम क्यों जा रहे हैं वहाँ, उन्होंने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन आदेश तो आदेश है और फौजी आदेश का तो कहना ही क्या। देशभक्ति के सारे गीत, दुश्मन को ललकारने के प्रयाण गीत, वतन पर कुर्बान होने के गीत, अपने हृदय के अंतस्थल से जानता है एक सच्चा फौजी कि कुल जमा इंसान को इंसान से लड़ा देने के गीत हैं। जिन्हें बेचने हैं हथियार, करना है कहीं पर कब्जा, वे ही तय करते हैं देशभक्ति के मानक। वे किसी के भी नाम पर जगा सकते हैं देशभक्ति की भावना, वे छेड़ सकते हैं गृह युद्ध, वे बदबू कर सकते हैं किसी भी देश को अपने दुश्मन से लड़ने के लिए। लोग जहाँ भी लड़ेंगे वहीं हथियार बिकेंगे, लोग लड़ाइयों में मरेंगे तो फूलों का कारोबार बढ़ेगा और उसी तादाद में ताबूतों का। सौदागरों का क्या है, उन्हें तो बस माल की बिक्री से मतलब है। सौदागरों का क्या, उन्हें तो बस माल की बिक्री से मतलब है। लड़ाई चलती रहनी चाहिए, लड़ते हुए लोग सौदागरों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लड़ते हुए लोग सौदागरों की सबसे बड़ी ज़रूरत हैं। वो लड़ाइयों का क्या,
ये कभी बुनियादी सवालों पर नहीं होती हैं। इसीलिए इतिहास में कोई लड़ाई निर्णायक नहीं होती, निर्णायक तो मौत होती है जो हर लड़ाई के बाद अट्टहास करती नाचती है। जिंदगी का नाच तो जंगलों के साथ चला गया, अब तो महज शोर है हथियारों का, जिसे ही संगीत कहा जा रहा है और लोग हैं कि नाचे जा रहे हैं। दुनिया के सारे फूल सैनिकों सिपाहियों की टोपियों के लिए है, बच जाएं तो ताबूतों के लिए। प्रेम के लिए तो एक फूल ही काफ़ी है, प्रेम के लिए तो एक फूल ही काफ़ी है। और इसका अंतिम हिस्सा, लड़ना इंसान की फितरत है, आदिम काल से ही लड़ता आया है वह। पेट भरने और जान बचाने से शुरू हुई थी इंसान की लड़ाई, जिसमें वक्त के साथ न जाने कितनी इच्छाएं जुड़ती चली गई, और इंसान हर चीज़ के लिए लड़ता रहा। हर लड़ाई में हथियार चाहिए, इसलिए हर तरह के हथियार बनाए गए। मनुष्य की समूची प्रतिभा जैसे हथियार खोजने में ही खर्च हो गई। जब हथियार नाकाफी पड़ गए, विचारों की लड़ाई शुरू हुई, अपने ही विचार को महान सिद्ध करने की लड़ाई। जो विचार उपजे थे लड़ाई के खिलाफ शांति के लिए, उन्हें भी ज़रूरत महसूस हुई कि शांति के लिए भी होनी चाहिए सेना, तभी दबाया जा सकता है अशांति फैलाने वाले विचारों को, और बन गई शांति सेनाएं। लड़ाई के सौदागरों ने कहा और दार्शनिक जुट गए, सिद्ध कर दिया गया कि सेनाएं सिर्फ शांति के लिए ही होती हैं। मैं चुपचाप किताब पढ़ते हुए कविता लिखने का समय चाहता हूँ। एक स्त्री परिवार के साथ आराम से रहना चाहती है, एक प्रेमी युगल सुकून की तलाश में है, इस सब के लिए शांति सेना चाहिए। कितनी अजीब बात है ना, धरती की सारी हरियाली सेना की वर्दियों में गुम हो गई है, और पृथ्वी का नीला आसमानी खाकी सौंदर्य पुलिस के पास जमा है। कोई बताए मैं उस पृथ्वी का क्या करूँगा, जिसका हरा नीला आसमानी और खाकी रंग हथियारों के साए में जमा कर दिया गया है। बचा ही क्या है अब इस पृथ्वी पर रंगों के रूप में, एक धूसर बियाबान के सिवा। इसलिए अब मेरी लड़ाई उन रंगों के लिए है। अब मुझे भूख प्यास और प्राणों से कहीं ज़्यादा धरती के असली रंगों की ज़रूरत। ये मेरी आखिरी कविता थी, और मैं बहुत आभारी हूँ जनसरोकार मंच का कि आपने मुझे समय दिया। मैं समझता हूँ कि संभवतः हमारे पास अब समय है, 5 मिनट का बचा है मेरे ख्याल से, तो मैं 5 मिनट में सोचता हूँ कि एक आध कविताएं आपको सुना सकता हूँ। एक कविता है वोट, ये आने वाले संग्रह से सुना रहा हूँ ये कविताएं। वोट, शुरुआती सालों में मुझे लगता रहा कि मेरे पास यही सबसे शक्तिशाली चीज है, मैं चाहूँ तो बदल सकता हूँ इस वोट से देश का भविष्य। धीरे धीरे कागज के इस टुकड़े की कीमत घटने लगी, जैसे घटती है करेंसी नोट की, और फिर मेरे लिए वोट रह गया महज रद्दी कागज का पुर्जा। बाद के बरसों में वह हल्की लंबी बीप में बदलता चला गया, जैसे मैं इस महान गणतंत्र का साधारण नागरिक टेक्नोलॉजी में चीख रहा हूँ। ओहो मैंने क्या किया, ओ मैंने क्या किया, अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखा भी तो महज बीप निकली। आह जैसे लोकतंत्र की चीख निकली, आह जैसे लोकतंत्र की चीख निकली। आप सभी दोस्तों का, जनसरोकार मंच का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यह मौका दिया और कुछ कविताएं आप लोगों ने सुनी। मैं चाहूँगा कि हमारा ये संग साथ आगे भी बरकरार रहे, और जनसरोकार मंच अपने उद्देश्यों के प्रति जिस तरह से समर्पित भाव से काम कर रहा है, मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ और हर प्रकार के सहयोग का वचन देता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज आप लोगों को मेरी कविताएं पसंद आई होंगी, और आने वाले समय में हम फिर किसी माध्यम से, ऐसे ही किसी माध्यम से या रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।